जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ चौतरफा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कठुआ और डोडा के अलावा कई इलाकों में आतंकियों के खात्मे के लिए जवानों ने स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया। कठुआ में पिछले दो दिनों की आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। वहीं डोडा से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जवानों ने कुछ आतंकियों को घेरा हुआ है, बहुत जल्द उनके अंत की खबर जो है वो सामने आ सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से। इसी बीच में जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना ने सर्च ऑपरेशन जो है उसको शुरू कर दिया है। सांबा के जंगलों में आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। सांबा के अलावा डोडा और कठुआ में भी ऑपरेशन जो है अभी वो फिलहाल जारी है। बड़ी खबर इस वक्त सांबा से हम आपको बता रहे हैं, सांबा के अलावा डोडा जहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। जंगलों का पूरा वो इलाका है वहां पर तलाश तेज कर दी गई और सांबा के जंगलों में भी अभी फिलहाल आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली और उसके बाद सर्च ऑपरेशन तेजी से चला जा रहा है। पिछले कुछ वक्त से लगातार एक के बाद एक हमले जो है जो जिस तरह सामने आए सुरक्षा बलों ने उसके बाद मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ा दी है। और जम्मू के डोडा में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा के गोलीगढ़ी जंगल में आतंकियों की घेराबंदी की जा रही है। गोलीगढ़ी जंगल में तीन आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। ऑपरेशन में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आतंकियों तक पहुंचा जा सके। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जम्मू के डोडा से बता रहे हैं, सेना का ऑपरेशन जारी है। डोडा के गोलीगढ़ी जंगल में आतंकियों की घेराबंदी जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं, जो जवान है यहां पर जो सुरक्षा बल है वो किस तरह से इस पूरे के पूरे जंगल में आगे बढ़ते हुए, हाथ में पानी की बोतल आप देख पा रहे हैं, हम समझेंगे कि कितनी ज्यादा मुश्किल ये पूरी की पूरी कार्रवाई है। मुश्किल इसलिए क्योंकि पहाड़ चढ़कर ढूंढना, ऊंचाई पर बैठे हुए छिपे हुए ये आतंकी जो ऐसे मंसूबों से वहां पर पहुंचते हैं और कायर वहां से हमला करते हैं। तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कठुआ आतंकी हमले के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। वहीं डोडा की बात करते हैं तो तीन आतंकियों को अभी फिलहाल वहां पर सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है और इसके अलावा सांबा के जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा के इन गन्ने जंगलों में लगातार मिलिटेंसी विरोध अभियान जारी है। आज सुबह सवेरे से ही पहली सूरज की किरण के साथ ही इस ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया है। आप देख सकते हैं कि सेना के जवान जो है उस जंगल की तरफ जा रहे हैं जहां पर तीन फॉरेन मिलिटेंट्स के होने की आशंका है। एक सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई जानकारी के आधार पर। सेना और सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक साझा ऑपरेशन चलाया और जैसे ही एक स्पॉट के नज़दीक पहुंचे तो मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बल के दस्ते पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई हुई और इसमें जो है अभी तीन मिलिटेंट्स जो है वो छुपे हुए हैं इस जंगल में और उसी के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस वक्त शुरू कर दिया गया है। और ये ऑपरेशन तब जम्मू कश्मीर में देखने को मिला जब कठुआ में पाँच सेना के जवान जो है उनकी जो है एक मिलिटेंट अटैक में जो है उनकी जान चली गई थी। उसके बाद से जो है इस ऑपरेशन को देखा गया, एक गुप्त सूचना मिलनी थी, एक इंटेल था, उसके बाद से ही जो है इस ऑपरेशन को यहाँ पर इंटेंसिफाई किया गया क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो टेरेन है कितना सख्त है और यही कारण है कि सुरक्षा बल के जवानों को काफ़ी एहतियात के तौर पे जो है इस ऑपरेशन को करना पड़ेगा क्योंकि पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी जो कोलेटरल डैमेज है सुरक्षा बल के जवानों को ना हो। और यही कारण है कि इस ऑपरेशन को जब भी इस टेरेन ऐसे वेजिटेशंस में ऐसे इलाकों में ऑपरेशन होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि पहले ही जो है जम्मू कश्मीर में जो है 70 से 80 फॉरेन मिलिटेंट्स जो है वो एक्टिव बताए जा रहे हैं और डोडा चिनाब वैली या पीर पंजाल रेंज राजौरी पूंछ की अगर बात करें तो वहां पर जो है फॉरेन मिलिटेंट्स ज्यादा सक्रिय है और इसी के चलते जो है इस ग्रुप को पहले ही जो है पुलिस और सुरक्षा बल के जवान ट्रेस कर रहे थे और एक इनपुट मिला था जिसके बाद बिना किसी समय गंवाए सुरक्षा बल के जवानों ने यहां पर कॉर्डन डाला और तीन मिलिटेंट्स जो है इस वक्त इस जंगलों में छुपे हुए हैं और उनके खिलाफ जो है लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए यावर शफी डोडा। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप दत्ता संवाददाता कठुआ से जुड़े हुए हैं और यावर सैफी डोडा से हैं। यावर, पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे, आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई, आपने जिक्र किया है कि किस तरह से वहां पर काफी ज्यादा संख्या में आतंकी जो है वो छिपे हो सकते हैं, इसकी जानकारी मिली और उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ हो रहा है?
देखिए बिल्कुल सुबह से ही जो है सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। हालांकि गोलीबारी का सिलसिला देखने को नहीं मिला, सिर्फ सुबह जो है एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से जो है दोनों तरफ से खामोशी है। लेकिन इस वक्त जो है आधुनिक हथियार, जो मॉडर्न वेपनरी है या टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। मिनी UAVs के अलावा क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पहले ये सुनिश्चित करे सुरक्षा बल के जवान कि मिलिटेंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। क्योंकि पहले जो है सूत्रों के हवाले से ये बात मालूम पड़ी है कि 3 फॉरेन मिलिटेंट्स जो है उनकी आशंका थी, उनका इनपुट था। उसके बाद से जो है कल जो है सुबह सवेरे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और जैसे एक संदिग्ध जगह के नज़दीक पहुंचे तो वहां से फायर खोले गए, जवाबी कार्रवाई भी यहां से हुई, लेकिन मिलिटेंट जो है वहां से भागने में सफल हुए। लेकिन उसके बाद से जो है बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त साझा ऑपरेशन चल रहा है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस वक्त जो है यहाँ पे लगी हुई है। मैं अपने विजय शफीक को कहूँगा कि वो पैन करें, ये देख सकते हैं आपके सबसे पहली जो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो ये है कि टेरी, उसके बाद जो है आपको ये पहाड़ चढ़ के जाना है, और ये भी सुनिश्चित करना है कि कोई अननेचुरल केव ना हो, कोई ऐसा हाइड आउट ना हो जहाँ से मिलिटेंट निकल कर हमला कर सकते हैं। तो हर एक कदम जो है काफ़ी एहतियात के साथ बरतना पड़ता है, क्योंकि प्लेन्स में ऑपरेशन करना, शहरों में ऑपरेशन करना, या ऐसे इलाकों में ऑपरेशन करना जहाँ पर जंगल ना हो, वो कहीं ना कहीं उतना चैलेंजिंग नहीं रहता है सुरक्षा बल के जवानों के पास। लेकिन आप देख सकते हैं शफीक दिखा रहे कि कितना घना जंगल है। ये जंगल पीछे से अगर हम देखें तो कोकरनाग साइड से भी टच होता है, यानी ये जो जंगल है काफी घना है, और सुरक्षा बल के जवानों को सुनिश्चित करना है कि इन्हीं जंगलों में जो है ये 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन के लिए चुनौती और ज्यादा बड़ी कर देता है जब सर्च ऑपरेशन इस तरह के चलाए जाते हैं। यावर, अब बने रहेगा हमारे साथ। प्रदीप, मैं आपके पास आऊंगी। कठुआ में आतंकी हमले के बाद एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इलाके में हमलावर आतंकी जो है वो छिपे हो सकते हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकी हमले के बाद कठुआ में जो है वो एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इलाका जहाँ पर आतंकी, जो हमलावर आतंकी हैं, वो छिपे हो सकते हैं, लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है। याद होगा आपको कैसे ग्रेनेड से हमला किया गया था, अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी, ऊंचाई वाले इलाके से हमारे जवानों को निशाने पर लिया गया और 5 हमारे जवान इसमें शहीद हो गए। पिछले कई घंटों से हमारे ये बहादुर जवान आतंकवादियों के तलाश में, वो आतंकवादी जिन्होंने 2 दिन पहले हमारी आर्मी की गाड़ियों को एम्बुश किया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे और 5 जो जख्मी हुए थे। उसके बाद से अब लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। कुछ लोगों जगह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से घात लगा कर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आतंकवादी अपना सर उठाएं और उनका सर कुचल दिया जाए। ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस इलाका है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वो पहाड़ी है जो एक तरफ हिमाचल से कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ बसंतगढ़ से करती है, तीसरी तरफ भदरवा और डोडा इलाके से कनेक्ट करती है, और चौथी तरफ ये बिलावर से कनेक्ट करती है। और ये आतंकवादी अक्सर अपनी घटना को अंजाम देने के बाद कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ भाग जाएं, लेकिन हमारे जवान पूरी तरह से चौकस हैं, बिना कुछ खाए पिए कई घंटों से लगातार इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे चप्पे चप्पे को ये छान रहे हैं। इनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बदला दिया जाए उन 5 बहादुर जवानों का, जिन 5 बहादुर जवान को उन्होंने शहीद किया है, क्योंकि कंट्री ने अपना मन बना लिया है कि उन जैसे मोहम्मद के उन आतंकवादियों को, उन कातलों को जहन्नुम में पहुंचाना होगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सीना तान कर यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऑपरेशन चल रहा है। ये बहुत ही कठिन इलाका है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे इस पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे, बहुत ही मुश्किल इलाका है, घना जंगल है, उस घने जंगल के अंदर गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में जाकर ये चूहों की तरह छुप जाते हैं, और आज भी वारदात करने के बाद चूहों की तरह अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से उन्हें तैयार हैं मारने के लिए, एक बार उनको जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखिए किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जंगल की तरफ चढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। और हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, आपकी रिपोर्ट हमने यहां पर देखी, अगर हम डोडा की बात करें, कठुआ की बात करें, जो वहां का पूरा टेरेन है वो ऑलमोस्ट एकदम समान नजर आता है, एक जैसा है, घने जंगल है, और इसी वजह से उसी का फायदा उठाते हुए आतंकी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे पा रहे हैं। अभी का क्या अपडेट?
देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम बात करें टेरिन की, बात करें चाहे डोडा की, बात करें कठुआ की, बात करें पुंछ की, बात करें रजौरी की, बात करें ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी मुश्किलें रहती हैं और काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं। यही एक वजह है कि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा जो थिएटर ऑफ टेरर है, आप वादी कश्मीर ना होकर जम्मू की तरफ उन्होंने अपना रुख कर दिया। उनको मालूम है कि यहाँ पे एक तो सुरक्षा बल कम तैनात है और दूसरा उन्हें मालूम है कि इस टेरिन में उनके लिए आसान हो जाएगा मूवमेंट करना। यही एक वजह है कि जम्मू के इलाके में घूम रहे हैं। इस समय जो इनपुट्स है 110 के करीब जो आतंकवादी हैं, जिसमें 60 के करीब जो हैं नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल यानी कि कश्मीर के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद 50 के करीब जो हैं वो इस साउथ ऑफ पीर पंचाल यानी कि जम्मू के इलाके में, जिसमें 25 के करीब जो है पुंछ और रजौरी के इलाके में बात की जाती है। और यहाँ पे इस समय अगर हम बात करें कठुआ में, इस समय 3 टेररिस्ट ग्रुप हैं जो जैश ए मोहम्मद के यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, और 2 ग्रुप थे जिन्होंने घात लगाकर हमारे सैनिकों की कॉन्वॉय पे हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और 5 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद से एक तैयारी कर दी गई है कि इनको किस तरीके से इन आतंकवादियों को पूरी तरह से खात्मा करना और किस तरीके से इनको जनों पहुंचाना है। थोड़ी देर पहले यहां पे पुलिस की एक मीटिंग भी हुई, पुलिस की मीटिंग में भी ये डिसाइड किया गया कि अब जो ऊंची चोटियां हैं उन पे तैनाती की जाएगी, वहां पे कैंप सेट कर दिए जाएंगे, वहां पे जो पोस्ट बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी जो है आतंकवादी उन चोटियों पर बैठे हैं और उनकी नजर रहती है हमारे सुरक्षा बलों पर। लेकिन जब ऊंची चोटियों पर हमारे सुरक्षा बल होंगे तो उनकी नजर रहेगी आतंकवादियों की मूवमेंट पर और उनका मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये 10-15 दिन में पूरी तरह से स्थापित की जाएगी ये चोटियों पर जो पोस्ट हैं, और उसके बाद संख्या भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अब डिसाइड कर लिया, मन बना लिया सरकार ने कि हमें अपने जो शहीद जवान हैं उनका पूरा बदला लेना होगा और हमें इंश्योर करना होगा कि जम्मू के इलाके में ये अपने पर फैला ना सकें। और यही एक वजह है कि पूरी तरह से आपको देख सकते हैं कि लगातार मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे जो है सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ इस समय उन पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रही हैं, उसके साथ साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि उन जगहों पे जाके जो रिजलाइन है रिजलाइन के साथ साथ अपनी जो कैंप्स हैं वो एस्टेब्लिश करें। इस समय पुलिस की टुकड़ियां जो हैं और फौज की टुकड़ियां हैं जो जंगल के इलाके में अंदर जा चुकी हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है, एक तो ये टनल के द्वारा चूहों की तरह रेंगते हुए या तो सांबा के इलाके या हीरानगर या कठुआ से यहाँ पे आ रहे हैं। यही एक वजह है कि पिछले दिनों से फॉरेन टेररिस्ट यानी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की जो तादाद है बढ़ चुकी है, और दूसरा जब ये जंगल में आते हैं कायरों की तरह हमला करते हैं या तो निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं, जिस तरीके से हमारे प्रदीप, लेकिन हमारी सेना इनका मुंह तोड़ जवाब उन्हें देगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए।